यो गेमर्स व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ शार्प एफएफ। गाइस, किसी भी स्क्वाड को फॉर्म करने के लिए चार प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है और उन चारों का अपना अपना अलग अलग रोल होता है। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट रोल के बारे में बताया है कि एक स्क्वाड में कौन कौन से रोल होने ही चाहिए। जो मेन रोल्स हैं जिसके बिना आप कोई टूर्नामेंट मैच सही से नहीं खेल पाओगे, वो मैं रोल अभी आपको बता देता हूं। आपके स्क्वाड में दो रशर्स होने चाहिए, एक स्नाइपर एंड एक असॉल्टर होना चाहिए। बट गाइस, जरूरी नहीं कि ये सारे रोल आपके एक ही स्क्वाड में हो, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक रोल की बात करें, रोल्स 10+ होते हैं, मतलब 10 से भी ज्यादा रोल्स होते हैं, बट एक स्क्वाड में तो चार ही प्लेयर्स आ सकते हैं। तो आपके टीम में एक प्लेयर को मल्टीपल रोल्स करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी टीम स्ट्रांग बनती है। और ये भी जरूरी नहीं कि एक ही स्क्वाड में आप सारे रोल के प्लेयर्स रख लो, उसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, असॉल्टर एंड स्नाइपर सेम स्क्वाड में रहने का कोई भी आपको फायदा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक ऐसा स्क्वाड बना रहे हो जिसमें आपके पास स्नाइपर नहीं है बट एक असॉल्टर है, तो उस स्क्वाड में आपको 3 रशर्स रखने पड़ेंगे। जो आपका थर्ड रशर रहेगा उसको अच्छी खासी नेडिंग आनी चाहिए। मतलब असॉल्टर वाली स्क्वाड में आपके पास 3 रशर्स, थर्ड रशर आपका नेडर एंड फ्लैंकर होना चाहिए। और अगर आप एक स्नाइपर वाली स्क्वाड बना रहे हो, तो स्नाइपर वाले स्क्वाड में आपको असॉल्टर की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आपको 2 रशर्स, 1 स्नाइपर एंड जो आपका फोर्थ प्लेयर होगा वो एक सपोर्टर होना चाहिए। जी हां गाइस, ये वीडियो सपोर्टर के बारे में होने वाली है कि एक सपोर्टर कौन कौन से रोल्स प्ले करता है। सपोर्टर एक अकेला रोल नहीं है, सपोर्टर के अंदर भी बहुत सारे रोल्स आते हैं। आपका एक सपोर्टर किन किन रोल्स में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको कौन कौन से रोल्स आने चाहिए, एक सपोर्टर की एक स्क्वाड में कितनी ज्यादा जरूरत होती है, एक सपोर्टर को अपने टीम को आखिर सपोर्ट करना कैसे है, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो गाइस हमारे 6 पॉइंट्स में होने वाली है। अगर आपने इन 6 पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लिया और अपने गेम में इंप्लीमेंट कर लिया, तो गाइस आप एक बहुत अच्छे एंड तगड़े सपोर्टर बन जाओगे एंड अपनी स्क्वाड को बहुत अच्छा सपोर्ट कर पाओगे। हमारे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज सपोर्टर, सपोर्टर होता क्या है आखिर। सो गाइस, सपोर्टर एक ऐसा रोल है जिसके अंदर आपके मल्टीपल रोल्स आते हैं, जिसमें कि आपको अपने टीम को सपोर्ट करना होता है। आपके स्क्वाड में 2 रशर्स हैं, एक स्नाइपर है एंड आप एक सपोर्टर हो। जैसे कि गेम में जब आप कोई स्क्वाड देखते हो, आपका IGL कहता है इस स्क्वाड से हमको बैटल लेनी है, तो आपके रशर्स क्लोज में पहुंच जाते हैं, स्नाइपर अपना एंगल ले रहा होता है। तो यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग सपोर्टर को या तो स्नाइपर के साथ या फिर अपने रशर्स के साथ रहना पड़ता है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके स्नाइपर को परमानेंट कवर नहीं मिलता है सही से और उसको एंगल से नहीं मिल रहे होते हैं, तो आपके स्नाइपर को खुले में रह के फाइट लेनी पड़ जाती है। वहां पे अगर आपका स्नाइपर खुले में है, तो सपोर्टर का यहाँ पे काम बनता है कि अपने स्नाइपर को सपोर्ट करना और अपने स्नाइपर को प्रोटेक्ट करना। बट अगर स्नाइपर को बेस्ट एंगल्स मिल चुके हैं किसी स्क्वाड से फाइट करने के लिए, तो आपका जो सपोर्टर है वो रशर्स के साथ रहकर फाइट लेगा। अगर मैं कुल मिलाकर एक सेंटेंस में कहूं, तो सपोर्टर अपनी टीम को सपोर्ट करता है। अगर आपके स्नाइपर को जरूरत है, तो सपोर्टर आपके स्नाइपर के साथ रहेगा। अगर आपके रशर्स को जरूरत है, तो सपोर्टर आपके रशर्स के साथ रहेगा। तो सपोर्टर को अपनी नजर हर जगह रखनी पड़ती है और अपने IGL के कॉल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इसीलिए गाइस मैं कह रहा हूं, सपोर्टर भी कोई आसान रोल नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि बस उसको सपोर्ट ही तो करना है, पर ऐसा नहीं है, सपोर्टर कोई आसान रोल नहीं होता। आपके सपोर्टर के रिफ्लेक्सेस एंड गेम सेंस जितना ज्यादा अच्छा होगा, वो उतना बेटर सपोर्ट कर पाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर सपोर्टर के गेम सेंस बहुत ज्यादा अच्छी है एंड रिफ्लेक्स उसके बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि अपने स्क्वाड के किस मेंबर को जरूरत है उसकी, और वो तुरंत ही अपने स्क्वाड के उस मेंबर के पास जा पाएगा। अब गाइस हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है सपोर्टर रोल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक सपोर्टर को अपनी टीम को सपोर्ट करना है, जिसके लिए कि उसे कभी कभी रशर्स के साथ भी रहना पड़ता है एंड कभी कभी अपने स्नाइपर के साथ भी रहना पड़ता है। तो जब वो रशर्स के साथ रहेगा, तो उसे रश भी करना पड़ेगा, उसे नीडिंग भी करनी पड़ेगी, उसे फ्लैंकिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि फ्लैंक करके भी जाना पड़ सकता है रश करने के लिए, एंड कुछ केसेस में उसे एंट्री फ्रैगर भी बनाना पड़ता है एंड कभी कभी वो सैक्रिफिशियल लैम्प भी बनता है। तो एंट्री फ्रैगर एंड सैक्रिफिशियल लैम्प अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो मैं बता देता हूँ। एंट्री फ्रैगर मतलब जो सबसे पहले स्क्वाड में घुसता है फाइट करने के लिए, एंड सैक्रिफिशियल लैम्प मतलब कि अपने आप को सैक्रिफाइस कर देना अपने टीम के गुड्स के लिए। अब अपनी टीम का भला कैसे होगा खुद को सैक्रिफाइस करके। कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहां पे आपके एक प्लेयर को पीछे रुकना पड़ जाता है, ताकि आपकी बाकी के टीम को टाइम मिल सके अपने आप को रिकवर करने के लिए, हील करने के लिए या फिर उस एरिया से निकलने के लिए। ये मोस्ट ऑफ द टाइम तब होता है जब आप थर्ड पार्टी में फंस जाओ। जैसे ही आपने किसी एक स्क्वाड से बैटल निपटाई है और आपके वेस्ट हेलमेट फटा पड़ा है, आप पहले से डैमेज कंडीशन में, और आप पे तभी थर्ड पार्टी हो जाए, तो आपके सैक्रिफिशियल लैम्प को आगे आना पड़ता है और अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये सारे रोल्स तो उसको तब निभाने पड़ते हैं जब वो रशर्स के साथ रहता है, बिकॉज रशर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बट वो अगर स्नाइपर के साथ है तब सपोर्ट कर रहा है, तो उसको एक असॉल्टर बनना पड़ता है। पिछली वीडियो गाइस असॉल्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो थी, तो असॉल्टर आप मेरे ख्याल से समझते होंगे कि असॉल्टर क्या होता है। जिसको कि AR गन्स बहुत अच्छी चलानी आती हो, भारी भरकम जो गन्स होती हैं जो ज्यादा डैमेज डील करती हैं, वो गन्स बहुत ज्यादा अच्छी चलानी आती हो, वो कहलाता है असॉल्टर। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग रेंज में ही अपने स्क्वाड को कवर देते हैं, फाइट लेते हैं। सो एक सपोर्टर आपके बहुत सारे रोल्स
को प्ले करता है तब जाके वो एक परफेक्ट सपोर्टर बनता है। सो गाइस, एक रशर का अपना रोल है, रश करता है। स्नाइपर का अपना रोल है, स्नाइपिंग पे ध्यान देता है, अपने टीम को कवर देता है। बट एक सपोर्टर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल रोल्स पे स्विच करते रहना पड़ता है। तो इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि एक सपोर्टर का रोल कितना ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक सपोर्टर सभी चीजों में परफेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसे सारी चीजें ही करनी पड़ती हैं। तो सभी रोल्स में वो डिसेंट रहता है, किसी एक में परफेक्ट नहीं हो पाता, बट यही तो उसका काम है। जो अपने रोल में परफेक्ट है उनको सपोर्ट करना ताकि वो और ज्यादा अपनी टीम के लिए किल्स निकाल पाए। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, सपोर्टर कैन बी अ गुड IGL। वैसे तो IGL का रोल अगर आपके टीम में असॉल्टर या स्नाइपर है तो उसको देना चाहिए, बट अगर आपका असॉल्टर या स्नाइपर अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो आप अपने IGL का रोल सपोर्टर को भी दे सकते हो। अब देखो गाइस, सपोर्टर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसे क्लोज में ही लड़ना पड़ेगा या लॉन्ग में ही लड़ना पड़ेगा। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्लोज में भी जाता है, लॉन्ग में भी जाता है, असॉल्टिंग भी करता है, कभी कभी तो वो स्नाइपर भी उठा लेता है। तो अगर आपका सपोर्टर एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और वो सारे रोल्स बहुत अच्छी तरह निभा पा रहा है तो वो बहुत अच्छा एक IGL बन सकता है, बिकॉज उसको सारी जगहों पे ध्यान रखना पड़ता है कि कहां से कौन टीम आ रही है, उसको अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना है सिर्फ। तो अपनी टीम को वो सपोर्ट करते करते स्ट्रेटजीज भी बना सकता है, अपने स्नाइपर्स को एंगल बता सकता है, अपने रशर्स को डायरेक्शन बता सकता है कि किधर से फ्रैगिंग करनी है, किधर से रश करना है, क्योंकि वो जानता है कि कहां से वो अपने स्नाइपर एंड रशर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट कर पाएगा। और अगर आपके स्नाइपर या रशर पे रश होता है तो उस रश को काउंटर करने में भी सपोर्टर आपका बहुत ज्यादा हेल्प कर पाता है। गाइस, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आपका जो सपोर्टर है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्नाइपर्स के साथ भी खेलता है, रशर्स के साथ भी रह के खेलता है। बट आप ये सोच रहे होंगे कि वो किन सिचुएशंस में स्नाइपर के साथ रहकर खेलता है और किन सिचुएशंस में रशर्स के साथ रहकर खेलता है। सो गाइस, वो मैं आपको आगे के पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगा जब हमारा बैटल स्ट्रेटजी वाला पॉइंट आएगा। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक सपोर्टर को कौन सी गन कॉम्बिनेशन रखनी चाहिए, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया है, सपोर्टर जो है आपका सपोर्टिंग का काम करता है अपने स्नाइपर को भी एंड अपने पूरी टीम को, तो उसे लॉन्ग भी खेलना पड़ता है, क्लोज भी खेलना पड़ता है। सो गाइस, अभी के टाइम पे क्लोज में जो सबसे बेस्ट गन है वो है शॉटगन में ट्रोगोन, MAG-7 एंड SMG में बिजोन एंड MP5। क्योंकि अगर आपका जो सपोर्टर है वो अगर रशर्स को सपोर्ट कर रहा है क्लोज रेंज से, तो उसका काम ये है कि अपने मेन रशर्स जो है उनकी बैटल लेने से पहले एनिमी को जितना ज्यादा वो डैमेज दे सके। तो गाइस, इसीलिए उनको ट्रोगोन और MAG-7 जैसी गन्स यूज करनी चाहिए जिससे कि वो बहुत ज्यादा डैमेज दे पाएंगे। SMG गन्स मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि SMG से उतना ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है, बट आपकी अगर ट्रोगोन एक बार चिपक जाती है तो वो एक मैगजीन खाली होने तक काफी ज्यादा डैमेज कर चुकी होगी। भले ही सामने वाले बंदे मरेंगे नहीं, बट उनको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ जाएगा, जिससे कि अगर आपके जो मेन रशर्स हैं वो अगर फाइट में घुसते हैं तो वो स्क्वाड को वाइप आउट करके निकल सकते हैं बहुत इजीली। बट अगर आपका सपोर्टर जो है वो लॉन्ग रेंज से खेल रहा है, तो लॉन्ग रेंज के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप या तो M60, M14 या फार्मास, तो बेस्ट गन है लॉन्ग रेंज के लिए। ये वाले गन्स लॉन्ग रेंज के लिए यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड जो थर्ड गन स्लॉट होती है उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप FGL रखो, ताकि अगर आपको पता हो आपके रशर्स अंदर फाइट ले रहे हैं किसी घर में, तो आप वॉल पे FGL मार के एनिमी को डैमेज दे सको। ये तो रही गन कॉम्बिनेशंस की बात, अभी मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टर स्किल एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में। एक सपोर्टर को कौन कौन से कैरेक्टर स्किल्स यूज करने चाहिए जो कि उसके स्क्वाड के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेंगे। देखो, अगर आप एक ऐसे सपोर्टर हो जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रशर्स के साथ रहकर खेलना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और इस टाइप के जो सपोर्टर हैं वो असॉल्टर वाली स्क्वाड में देखे जाते हैं क्योंकि उसमें कोई स्नाइपर नहीं होता, उसमें असॉल्टर होता है। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था कि असॉल्टर वाली स्क्वाड में आपको सपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको 3 रशर्स चाहिए होते हैं, बट अगर आपके पास कोई थर्ड रशर नहीं है तो आपका सपोर्टर वहां पे बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो इस टाइप के स्क्वाड में जब आपके पास स्नाइपर ना हो, उसकी जगह पे असॉल्टर हो और आपको 3 रशर्स चाहिए बट आप एक सपोर्टर हो, तो उसमें आपको अलग कैरेक्टर स्किल्स लगानी पड़ेंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने रशर्स के साथ ही रहकर खेलना पड़ेगा। तो गाइस, वहां पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूं जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर स्किल है वो है A124, यानी कि आपका स्किल ब्लॉकर। और उसके साथ में आपको मोको जरूर से यूज करनी है, ताकि जिन बंदों पे स्किल ब्लॉकर पड़ेगा उनकी लोकेशन भी रिवील हो जाएगी। अगर आपके स्क्वाड का जो सपोर्टर है वो स्किल ब्लॉकर लगाता है, तो आपके जो रशर्स हैं उसको जोसेफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और गाइस, एक नया कैरेक्टर है जो कि पैसिव कैरेक्टर है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट उसकी एबिलिटी ये है कि जब आप अपने टीममेट पे गोली मारते हो तो उसकी हेल्थ बढ़ती है, वो लगा लेना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके रशर्स के लिए। एंड जो फोर्थ एबिलिटी है उसमें आप अपने हेल्थ के लिए कुछ लगा सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वहां पे काइरोस लगाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। एक बेनिफिट तो काइरोस का ये है कि इससे आपको EP मिलती रहती है, दूसरा बेनिफिट ये है कि इससे सामने वाले के वेस्ट पे ज्यादा डैमेज पड़ता है। और एक्टिव कैरेक्टर स्किल में A124 की जगह पे आप एक और कैरेक्टर यूज कर सकते हो जो कि ये सपोर्टर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, जो कि अभी नया कैरेक्टर ही आया है, आई गेस उसका नाम कैसी है। एंड ये कैरेक्टर स्किल लिटरली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर आपका कोई रशर फाइट ले रहा है और उसकी हेल्थ बिल्कुल लो हो चुकी है, तो आप उससे अपना कैसी कनेक्ट करके उसको एक बार में उसकी पूरी हेल्थ फुल कर सकते हो। 100% फुल तो नहीं हो जाएगी, थोड़ी सी कम रह जाएगी, बट उसकी बहुत ज्यादा हेल्थ आप एक बार में फुल कर सकते हो।
सकते हो, आप अपने रशर्स के फाइट के बीच में ही अपने रशर्स की हेल्थ को बढ़ते रह सकते हो। अब आते हैं उन कैरेक्टर स्किल के बारे में जिसमें कि आप एक स्नाइपर की स्क्वाड में खेल रहे हो और आपको कई बार लॉन्ग भी खेलना पड़ जाता है। तो वो सपोर्टर्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग रेंज ज्यादा प्रेफर करते हैं, उन सपोर्टर्स को कौन से कैरेक्टर स्किल्स लगाने चाहिए? देखो गाइस, सपोर्टर हो तो मोको तो 100% आपको लगा के ही रखनी है, काइरोस भी आपको लगा के ही रखना है, और अगर आप लॉन्ग रेंज ज्यादा प्रेफर कर रहे हो तो आप मारो भी यूज कर सकते हो जिससे कि एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा। एंड अगर एक्टिव स्किल की बात करूं तो आप होमर यूज कर सकते हो, होमर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। मैंने गाइस T3 एंड T2 लेवल के टूर्नामेंट बहुत ज्यादा खेले हैं। T3 में तो गाइस मोस्ट ऑफ द स्क्वाड्स जो है वो कैसे लगा के रखती है, A124 लगा के रखते हैं, बट अगर मैं बात करूं T2 लेवल के टूर्नामेंट्स की, वहां पे गाइस मैंने होमर बहुत ज्यादा नोटिस किया है, स्क्वाड की तरफ से यूज बहुत ज्यादा किया जाता है होमर को, होमर के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी बंदे पे होमर लगता है तो सबसे पहले तो उसको थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है, और अगर आपने मोको लगा रखी है तो उसकी लोकेशन भी रिवील हो जाएगी, एंड सेकेंडली जो है उसकी मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल वो हिल ही नहीं पाता कुछ टाइम के लिए। एंड जब तक होमर का इफेक्ट रहेगा तब तक उसकी मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो रहेगी। एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका, कि जब तक होमर का इफेक्ट रहेगा तब तक उसके किसी भी गन की रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। MP40 की भी रेट ऑफ फायर इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है कि वो M14 जैसे बिहेव करती है। तो होमर यूज कैसे करते हैं बंदे, वो मैं आपको बता देता हूँ। होमर को भी दो टाइप से यूज करते हैं बंदे। एक तो जैसे ही अगर किसी लोकेशन पे पहुंचे वहां पे होमर पहले ही मार देंगे, अगर उस पूरे एरिया में कोई बंदा होगा तो वो आपको लोकेट हो जाएगा, मतलब कि आपके ड्रॉप पॉइंट पे या रोटेशन के दौरान जहां पे भी आप जा रहे हो वहां पे बंदे की लोकेशन पता लगाने के लिए होमर यूज करते हैं। ये तो होमर का बेसिक लेवल का यूज हो गया जो कि T3 लॉबी में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है, बट होमर का प्रो यूज मैंने सिर्फ T2 लॉबी में ही देखा है बंदों को करते हुए। एक अच्छी लॉबी में एक अच्छा सपोर्टर होमर का यूज कभी भी बंदे की लोकेशन जानने के लिए नहीं करेगा सिर्फ। अगर आपके स्क्वाड ने किसी एक स्क्वाड को या फिर किसी एक बंदे को लोकेट कर लिया है तो वो पहले वहां पे होमर नहीं मारते हैं डायरेक्ट, वो अपने रशर्स को क्लोज में भेजते हैं। क्लोज में पहुंच जाने के बाद वो होमर एक्टिवेट करते हैं और वेट करते हैं कि कब होमर जाके उन पे फटेगा, और जैसे ही उन पे होमर फटता है उनके रशर्स अंधा घुस जाते हैं उस बंदे पे जिस पे मोको मार्क हो रहा है। बिकॉज जिस बंदे पे होमर फटा है उसका एक तो लोकेशन रिवील हो गया है, उसको डैमेज भी पड़ा है थोड़ा बहुत, और जब तक होमर का इफेक्ट रहेगा तब तक उसकी मूवमेंट स्पीड एंड गन का रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, मतलब कि सही टाइम पे अगर रश कर दिया तो नूब से नूब रशर भी उसको मार के चला जाएगा जिस बंदे पे होमर फटा है। एंड आई गेस होमर की रेंज में एनिमी के जो दूसरे टीममेट्स हैं उनकी भी मूवमेंट स्पीड स्लो हो जाती है। मैं 100% श्योर नहीं हूं, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सिर्फ उसी बंदे की स्पीड स्लो होती है जिस पे होमर फटा है या फिर उसके रेंज में जितने भी एनिमी है सबकी स्लो हो जाती है। सो गाइस अभी मैंने आपको कैरेक्टर स्किल भी बता दिया है, तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स टू बिकम अ सपोर्टर। सो गाइस आपको एक प्रो सपोर्टर बनने के लिए कुछ ट्रेनिंग्स एंड ड्रिल्स भी करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको इस पॉइंट में बताने वाला हूं कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले गाइस अगर आप एक सपोर्टर हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप मल्टीपल रोल्स परफॉर्म करने वाले हो, तो आपको कई रोल्स में परफेक्ट होना पड़ेगा। चॉइस आपकी है कि आप पहले किस चीज में होना चाहते हो, जैसे कि रशर, नेडर, असॉल्टर एंड फ्लैंकर। सबसे पहले तो गाइस आप जो गन चला रहे हो उस गन की ड्रिल्स करनी पड़ेंगी, उस गन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो कि आपको ट्रेनिंग में जाके करनी पड़ेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको ट्रोगोन की प्रैक्टिस किस तरह करनी है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो आपको कवर फायर की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके आपको फेक रश की प्रैक्टिस करनी है जिसमें कि आपको बैक जंप, हेडशॉट की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड थर्ड आपको लॉन्ग रेंज ग्लिच फायर एंड कवर फायर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी असॉल्टिंग एंड रशिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा क्विक हो जाएंगे। एंड अगर आपको फ्लैंकिंग एंड नीडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको अपना गेम सेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको फुल मैप मैचेस बहुत ज्यादा खेलने पड़ेंगे। ट्राई करो 2v4 एंड 1v4 खेलने का जिसमें कि आपको बहुत बार फ्लैंक भी करना पड़ता है, नीड भी करना पड़ता है। अंधा रश नहीं करना है आपको 1v4 और 2v4 में, वहां पे आपको दिमाग लगा के अपने सेंसेस का यूज करके अच्छी तरह से आपको रश करना है जिससे कि आप एनिमी के रश को काउंटर करना भी सीखेंगे, आप एनिमी पे बहुत अच्छी तरह रश करना भी सीखेंगे, एनिमी को डॉच करना भी सीखेंगे, एंड सही टाइम पे सही से नेड्स एंड थ्रोएबल्स का यूज करना भी सीखेंगे। एंड देखो गाइस ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि अगर आप आज शुरू करते हो तो कल आप इन सभी चीजों में परफेक्ट हो जाओगे, ये सारी चीजें टाइम लेती हैं। एंड अगर आप रेगुलर 1 घंटा ट्रेनिंग एंड 2 घंटा रैंक मैचेस में इस तरह से टाइम देते हो तो 1 से 2 महीने के अंदर ही आपका गेम प्ले नेक्स्ट लेवल का इंक्रीज हो जाएगा, आपका गेम सेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइस अभी जो हमारा बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है वो है बैटल स्ट्रेटेजी, जो कि मैं इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी वीडियो इतनी बड़ी और बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी, तो मैं आपको वो अगले वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना बिकॉज इसी टाइप के कंटेंट हमारे इस चैनल पे आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। यूट्यूब पे तो हमारे 100K बहुत जल्दी होने
करने वाले हैं, बट इंस्टा पे भी 10K करा दो यार। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और नई वीडियो में किसी और नए ओपी से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।